नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ तकिए का कवर, पिलो कवर, जो कि बचे हुए कपड़े के बनाए गए हैं। आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये पूरा कवर बचे हुए कपड़ों का बनाया गया है, जो कि मैंने काटा हुआ है 9.5 इंच काटा हुआ है चौड़ाई, और लंबाई जो काटी हुई है वो 7.5 इंच है। देखिए, जो कपड़ा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है सारे बचे हुए कपड़े हैं और अलग अलग कपड़े हैं। इन सारे अलग अलग कपड़ों का हम पिलो कवर बनाएंगे। तकिए के कवर में मैं जो डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ वो आधे गोलाई के आकार में बनाना चाह रही हूँ। इसके लिए आप किसी भी गोले बर्तन का यूज़ कर सकते हैं या फिर डिवाइडर का यूज़ कर सकते हैं। इसे आधे गोलाई के आकार में काटना हो। देखिए, ये जो कपड़ा काटा गया है इसी आकार में इसमें जोड़ना भी होगा, लेकिन जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे पास कपड़ा है सेम कपड़ा हम नहीं जोड़ेंगे। इसमें डिज़ाइन के लिए हम एक कपड़े के साथ, जैसे कि हम लोगों ने रेड लिया है तो ब्लू जोड़ेंगे और ब्लू लिया है तो रेड जोड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया हुआ है वो क्रीम कलर का कपड़ा लिया हुआ है और मैं इसमें ब्लू कलर के कपड़े का जोड़ लगा रही हूँ। जी, कृपया ध्यान से देखें, इसमें जो सिलाई लगाई जा रही है वो गोलाई के आकार में सिलाई लगाई जा रही है, और मैं इसे बार बार रिपीट करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि इसमें जो जोड़ किया गया है सिलाई के द्वारा, जो जोड़ाई की गई है वो कैसे की गई है। जी, आप जैसा कि देख पा रहे हैं सिलाई जो है बिल्कुल गोलाई के आकार में की जा रही है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो सिलाई या जो जिसमें मैं सिलाई कर रही हूँ ये मशीन मेरी मम्मी की है और लगभग ये 30 से 35 साल पुरानी मशीन है, लेकिन फिर भी ये अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, और सारा काम मैं इसी में करती हूँ अपनी सिलाई से रिलेटेड। सारे अलग अलग कपड़े हमें इसी तरीके से जोड़ लेना है, सारे अलग अलग कपड़े, कोई भी कपड़ा एक जैसा ना हो। जैसे कि ब्लू है तो ब्लू में ही जोड़ दिया, उससे क्या है कि उसमें डिज़ाइन क्लियर नहीं आता। जी देखिए, जैसा कि सारे कपड़े जुड़ चुके हैं, अब इसमें जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि कोई जो कपड़ा है वो ज़्यादा है तो उसे हम बराबर कर लेंगे ताकि सिलाई करने में कोई कठिनाई ना आए।
कृपया आप इसे ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे कपड़े मैं अरेंज कर रही हूँ, जो मैंने सिलाई करके कपड़े बनाए हुए हैं, डिज़ाइन बनाई हुई है, उसे मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ। जैसे कि ब्लू है तो ब्लू का पार्ट ब्लू में जुड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि आपको जो भी डिज़ाइन बेटर लगती है आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये अपने हिसाब से किया है ताकि इसमें अच्छे से परफेक्ट जो मैं डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ वही डिज़ाइन आए। जी, जैसा कि कपड़े सारे जुड़ चुके हैं आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही। इसके लिए मैं आयरन का यूज़ करूँगी। कपड़े जब भी सिलाई करें उसमें आयरन का यूज़ ज़रूर करें ताकि कपड़े काफ़ी अच्छे से सेट हो पाएं। देखिए, आयरन करने के बाद इसमें और भी ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी आ गई। क्लियर दिख रहा है कि डिज़ाइन में क्या बनाना चाह रही हूँ और कैसा चाह रही हूँ। अब इसे पूरा करने के लिए मैं एक प्योर सूती का कपड़ा यूज़ करूँगी, जो कि पिलो के बैक साइड लगेगा, जो कि तकिए के बैक साइड लगेगा। प्योर सूती कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी मेरे यहाँ पर बचा हुआ कपड़ा ही है, तो मैं ये बचा कपड़ा यूज़ करूँगी पिलो कवर को पूरा करने के लिए। देखिए, जो तकिए का कवर मैं बना रही हूँ वो पूरा का पूरा फ्री साइज़ है, तो फ्री साइज़ का तकिए का कवर मैं बना रही हूँ। इसी जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसी के हिसाब से, इसी के साइज़ में ये जो मैं कॉटन का कपड़ा यूज़ करी उसी के हिसाब से मैं काटूँगी। जी, तकिए का कवर जैसे कि आपने देखा वो सिल चुका है, लेकिन तकिए का जो मेन पार्ट होता है वो तकिए का ऊपरी भाग, जो कि अभी नहीं सिला है, वो अभी सिलना बाकी रहा है। तो मैं इसके लिए जो कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ वो मैं डबल कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मजबूती से जुड़े। Thank you.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि तकिए का ऊपरी भाग है, जो यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, जो कि डिज़ाइन वाला कपड़ा है, जो मैंने डिज़ाइन सिला हुआ है उस पर ही बस सिलाई करूँगी, वहाँ से लंबी सी सिलाई करके, और उसी में मैं इसे पलट के इसमें सिलाई लगा दूंगी, ताकि इसमें कोई चैन का यूज़ करना ना पड़े या फिर कोई बंद करने में परेशानी ना आए। विदाउट एनी मटेरियल मैं इसे बंद कर पाऊँ। जी ध्यान से देखिए, ये जो डिज़ाइन वाला कपड़ा है, जो ऊपरी भाग है, उसमें ही मैं ये ऊपरी भाग जोड़ रही हूँ, फिर नीचे का भाग इसके ऊपर से जुड़ेगा। जी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये जो मैंने तकिए का कवर बनाया हुआ है, इसकी डिज़ाइन आपको समझ में आई होगी। यदि अगर कहीं भी आपको परेशानी लगती है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू।